हाई एवरी वन, नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो टाइटल से देखिए आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो इज अबाउट माई टेम्पल। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे पास लिविंग रूम टूर में आए थे कि आपने अपने मंदिर के बारे में डिटेल में नहीं बताया, आप अलग से वीडियो बनाइए, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें आई थी। आज के वीडियो में मैं आपको अपने टेम्पल की डिटेल्स बताऊंगी, कहाँ से खरीदा है, कितने का खरीदा है, क्या मटीरियल है और इसको मेंटेनेंस क्या लगता है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूं। सो यस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको मंदिर का अपने टूर दे देती हूं कि मेरा मंदिर एक्चुअली में दिखता किस तरीके का है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे पैटर्न के मंदिर देखे, जैसे कि वुडन टेम्पल हमने देखा, हमने मार्बल के टेम्पल देखे, बहुत सारे। और बहुत सारे मिथ भी मार्केट में चलते हैं मंदिर को लेकर के, कि मंदिर के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए, मार्बल का टेम्पल घर में नहीं रखना चाहिए, लकड़ी के टेम्पल में ऐसा होना चाहिए, इस तरीके की लकड़ी यूज़ करना है, प्लाई बोर्ड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बहुत सारे मिथ्स आपको सुनने को मिल जाएंगे, जो मुझे भी कॉमेंट में डे टू डे बेसिस पे आता है कि आपने मंदिर यहाँ क्यों रख दिया है, आपने ऐसा क्यों कर दिया है। मैं इन सब मिथ्स को पीछे छोड़ते हुए मैंने सिर्फ ये सोचा था मंदिर लेते टाइम कि मेरा जो मंदिर है ना वो ऐसा होना चाहिए कि मुझे देखते से मतलब लगे कि हाँ भाई ये मेरा मंदिर है, इसमें मेरे भगवान बैठेंगे। तो ऑब्वियसली आई वॉन्टेड छोटा सा, क्योंकि हम दोनों को बहुत ऐसा मंदिर नहीं चाहिए था कि हम मेंटेन ना कर पाए, हमको छोटा क्यूट सा प्यारा सा हमारे घर के हिसाब से आ जाए उस तरीके का मंदिर चाहिए था। तो एक दिन ना हम ऐसे ही जस्ट नॉर्मल जा रहे थे कहीं पे, पवई क्रॉस करते हुए, एंड आई जस्ट सॉ दिस शॉप और मुझे वो मंदिर दिखा एंड आई वॉज लाइक भाई मुझे तो यही मंदिर चाहिए। मैंने उसकी पिक्चर ली, मेजरमेंट्स लिए और मैं बिल्कुल स्टक हो गई थी कि मुझे यही मंदिर चाहिए। उसके बाद विक्की ने मुझे जो मार्बल का बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ ले जा करके अलग अलग डिज़ाइन दिखवा दी। विक्की वॉज इन अ फेवर कि मार्बल का मंदिर लेते हैं, उसको था कि भाई मार्बल का मंदिर आना चाहिए, पता नहीं जो भी, सबके अपने अपने रहते हैं यार, है ना। और मुझे ऐसा था कि जो मुझे पसंद आ जाएगा मुझे वो मंदिर चाहिए, मेरा एज अ पर्टिकुलर नहीं थी कि मैं मार्बल का ही चाहिए या मुझे इसका ही चाहिए उसका ही चाहिए। तो मुझे ये मंदिर एक नज़र में बहुत पसंद आ गया। उसके बाद हमने बहुत मंदिर देखे, मुझे किसी में भी एक वो नहीं आ रहा था कि यस दिस इज द टेम्पल आई वॉन्ट फॉर माई होम। ये जो मंदिर है ये हम लोगों ने पवई में एक स्टोर है, हमने वहाँ से परचेस किया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। दिस इज एन अमेजिंग टेम्पल। सो बेसिकली इसका जो साइज है वो मैं यहाँ पर मैंशन कर दूंगी कि कितने बाय कितने का साइज है। तो हमने बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का मंदिर लिया है जो हम मेनटेन कर पाए। और ये जो मंदिर है ना, इसका जो मटीरियल है इट्स अ अक्रैलिक कोरियन ग्लास का बना हुआ है, जिसकी वजह से इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। आपको इसको कुछ मेंटेन नहीं करना पड़ता है, अगर ये गंदा हो भी जाता है, क्योंकि ये वाइट कलर का मंदिर है, अगर गंदा हो जाता है आपको सिर्फ एक वेट वाइप लेना है और उससे क्लीन कर देना है, बहुत आराम से क्लीन हो जाएगा। हल्दी, कुमकुम, किसी भी चीज़ के दाग इसमें नहीं लगते हैं, हम लोग लगते भी हैं क्योंकि मंदिर है भाई, इस तरीके की चीज़ें यूज़ होंगे तो आप आराम से उसको क्लीन कर सकते हैं। जब आप दिया वगैरह लगाते हैं तो ऊपर जो काला काला सा हो जाता है वो भी इसमें कुछ नहीं होगा, अगर हो भी जाता है तो आप क्लीन कर दो, वाइप ऑफ कर दो और एकदम से ये क्लीन हो जाता है। तो मेंटेनेंस तो इसका एज सच कुछ भी नहीं है। इसकी जो कार्विंग की फिनिशिंग है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसमें एक बेल आई है, बाकी की जो दो बेल्स हैं वो मैंने खुद से लगा दी थी। और उसके बाद इसमें जो लाइटिंग्स है वो लगी हुई आई है, तो लाइटिंग की हम इस मंदिर के ऊपर वारंटी है 1 साल की। और जो लाइटिंग्स है उस LED लगी हुई है, तो उसका खराब होने का कोई इतना हेडेक है नहीं। खराब होगा भी तो अडेप्टर खराब होगा, तो जब अडेप्टर खराब होता है तो आप उसको नया परचेस कर सकते हैं। तो ये जो मंदिर है, जब हमारे यहाँ वुडन वर्क चल रहा था तब हम लोगों ने एक थॉट दिया था इसको बनवाने का, क्योंकि हमारा किचन जो है वो एक्रेलिक फिनिश में ही बना था, बट हमको वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था। और जब हमने मार्केट रिसर्च किया और हमने इस तरीके के मंदिर देखे तो हमको ये ज़्यादा सस्ता पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास लॉट में बनते हैं। तो और फिनिशिंग वगैरह भी हमको इसको बहुत बहुत अच्छी लगी। मुझे मैंने जब बनवाऊँगी और उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आई तो फिर वो भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये CNC लेज़र कटिंग इसमें लगा हुआ है, पीछे आप देखेंगे ना तो लाइट दी हुई है और एक एक्रेलिक की शीट लगाई हुई है, तो गंदा वगैरह कुछ नहीं होता है, बहुत आराम से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। ये जो ओम है ये अलग से स्टिक किया हुआ है इसके ऊपर, और ये हमको कॉस्ट पड़ा है 12,000 अप्रॉक्सीमेटली, 14,000 कुछ का था, उन्होंने थोड़ा बहुत हमको डिस्काउंट दे दिया था तो ये हमको इतने में पड़ा है। इसमें एक अलग से शेल्फ दिया हुआ है मंदिर के नीचे, जिसमें आप उन भगवान का जो बेसिक नीड्स का सामान है आप वो यहाँ पर रख सकते हैं, अच्छा खासा गहरा शेल्फ है। और उसके नीचे हमने चेस्ट ड्रॉअर अलग से रखा है। तो दिस इज अ रेंटल फ्रेंडली टेम्पल एज वेल, मतलब आप
हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा है रेंटल फ्रेंडली के हिसाब से, मगर अगर आपका बजट अलाउ करता है, क्योंकि ये मूवेबल है, आप कहीं पे भी रख सकते हो उसको, तो हम लोगों ने कोशिश किया है अभी भी सारा खुद के घर में भी चीज़ें जो है वो थोड़ी मूवेबल फर्नीचर हो, ताकि हम उसको कभी भी इधर से उधर मूव कर सकें। दैट्स वाई हमने उसको फिक्स्ड टेम्पल नहीं बनवाया वॉल पे, फिर वो एक ही जगह का हमेशा हो जाता है। और उतनी हमने चीज़ें रखी हैं जितनी हम मेंटेन कर सकें और उसको क्लीन कर सकें और साफ़ सुथरा अच्छे से रख सकें। तो ये हमारा प्यारा सा छोटा सा क्यूट सा मंदिर, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। तो ये जो मंदिर के क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं गोल्डन कलर की, तो मेरे जो मंदिर का थीम है वो वाइट एंड गोल्डन कलर का है। मैंने पर्पसली वाइट एंड गोल्डन कलर ही अपने घर की भी चूज़ करी थी और मंदिर की भी वही चूज़ हो गई। और उसके साथ मैंने जो दिया है और जो लोबान जलाने वाला केस है, बाद अगरबत्ती स्टैंड है, प्लेट है, ये सब मैंने अलग अलग जगहों से लिया है। मैं सबकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इफ इन एनी केस आपको परचेस करना हो तो। सो यस, दैट्स इट फॉर माय वीडियो। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।